नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज जालौन। जालौन उरई पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी सुभाष चंद्र बघेल द्वारा पुलिस लाइन उरई के वार्षिक निरीक्षण के दौरान पुलिस लाइन में सलामी ग्रहण कर स्टोर रूम, मैस, बैरक, स्नान घर, शौचालय, यातायात शाखा, क्वार्टर, खाद साफ, सफाई आदि का निरीक्षण किया तथा उन्होंने अभिलेख आदि का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में संतुष्ट नजर आए महानिरीक्षक ने बताया कि जालौन पुलिस ने जो 11 लोगों को अवैध शराब के कारोबार के साथ गिरफ्तार किया, जो हरियाणा से शराब में मिक्स करने वाले ओपी केमिकल के बारे कारोबार को ध्वस्त किया। यह बेहद ही जालौन पुलिस की सराहनीय का काम कर रहा है और यह आगे भी जारी रहेगा। अपराधियों पर अंकुश लगाने में भी सफल रहे हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवी सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह एवं समस्त क्षेत्राधिकारी उपस्थित रहे। हाँ बाबू, आना हुआ है, क्या प्रयोजन है सर, क्या क्या देखा यहाँ पे और क्या तैयारी है आगे? आज जनपद जालौन में मेरे द्वारा पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय और यहाँ पर जितनी भी शाखाएं हैं, पत्र व्यवहार शाखा, अकाउंट फ्रांस, जितनी भी शाखाएं सभी का निरीक्षण किया गया है और थाने का भी निरीक्षण अभी किया जाएगा। अपराध स्थिति की भी समीक्षा की गई है। तो कुल मिला के मैं निरीक्षण में पाया कि जनपद जालौन में जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं उनके नेतृत्व में यहाँ के अधिकारियों ने अच्छा काम किया है और पुलिस लाइन को जो है काफ़ी पुलिस लाइन में पूर्व के मुकाबले काफ़ी सुधार हुआ है और बहुत से और चीज और योजनाएँ जिनको क्रियान्वित करने का जो है कि यहाँ के अधिकारी लोग प्रयासरत हैं। इसी प्रकार से जो हमारा जो हेडक्लर्क ऑफिस है पत्रकार शाखा और सुना तो उसका भी बहुत बारीकी से निरीक्षण किया गया, तो काम बिल्कुल संतोषजनक है और जो थोड़ी बहुत कमियाँ रहती हैं तो हमेशा उसको जो है रद्द करके उसको ठीक करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और कर्मचारी कर भी रहे हैं। जहाँ तक अपराध स्थिति की बात है उसकी समीक्षा मेरे द्वारा की गई है, तो अपराध स्थिति जनपद जालौन में बिल्कुल कंट्रोल में है। यहाँ सर नए पुलिस अधीक्षक के आने के बाद सर लगातार जनपद जालौन में कहीं और गांजा, कहीं शराब, कहीं चरस इस प्रकार का ड्रग्स वगैरह और शराब नकली भी बरामद हो रही है, मिलावटी यूरिया भी बरामद हो रही है सर, ये काफ़ी बड़ी रिकवरी तो हो रही है सर, लेकिन फिर यहाँ से बार बार आके यहाँ से पकड़ लिया। ऐसा है कि इसमें जो एसपी साहब है इसमें जालौन के, उन्होंने 3 जो है बहुत बड़े कैच शराब की तस्करी के संबंध में कराए। एक बार 500 केजी शराब बरामद हुई है 20 लाख मूल्य की, इसके अलावा एक बार 4,000 लीटर कॉफी बरामद हुई है और 12,500 लीटर दोबारा बरामद हुई है, जिसमें 11 लोगों को गिरफ्तार करके एसपी के द्वारा उनको जेल भिजवाया गया है। और सबसे बड़ी बात है इसकी संजाल रोहतक हरियाणा से लेकर और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से फैलते हुए और ये रूट है, तो यहाँ से आगे भी जो है वो ले जाकर के उसको जो है उसमें उसको शराब बनाते हैं, उसको बेचते हैं। तो 11 लोग जो पकड़े गए हैं उन 11 लोगों के विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है हुई है, अभी इसमें कुछ और अभी तो गिरफ्तारी शेष है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो शराब तस्करी को रोकने के लिए जनपद जालौन पुलिस ने कार्य किया है, इससे जो है इस प्रकार की तस्करी में काफ़ी गिरावट आएगी। इसके अलावा जो अन्य अपराधी भी जो हैं, कई अन्य प्रकार के जो कुख्यात अपराधी हैं, वो भी गिरफ्तार हुए, शस्त्रों की बरामदगी भी की गई है और ये अभियान जो है लगातार चलते रहेगा। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हाईवे हमारा, हमको बहुत सजग रहना पड़ता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जालौन में अपराध जो है स्थिति और कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है, ये ऐसी बनी रही और इससे बेहतर। ओके सर। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।